हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब लोग? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप लोगों ने चैनल को इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, और मेरी जो अभी CHSL की जो रिज़ल्ट आई थी उस पर आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया, और सभी ने बोला कि प्लीज़ अपनी CHSL की जो स्ट्रैटेजी है वो भी शेयर कीजिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को आज अपनी CHSL 18 जिसकी एग्ज़ाम 2019 में हुई थी, और CHSL 19 जिसकी एग्ज़ाम मैंने अभी 2020 में रेलवे ग्रुप डी की जॉब करते हुए ये एग्ज़ाम जो है मैंने अटेम्प्ट किया था, तो उसके दोनों का जो है रिज़ल्ट और स्कोर कार्ड जो है मैं आप लोगों के बीच शेयर करने वाला हूँ। उसके बाद जो है आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि मैं कौन से सब्जेक्ट के स्ट्रेटजी वीडियो सबसे पहले बनाऊँ, क्योंकि सब्जेक्ट के स्ट्रेटजी जो अगर मैं एक बार बनाता हूँ तो बहुत ही ज़्यादा लंबी वीडियो जाती है, और आप लोगों को फिर उतनी देर तक बहुत ही आदमी देख भी नहीं पाते हैं। लोग स्कोर कार्ड देखें, और आपको जिस सब्जेक्ट में मेरी इम्प्रूवमेंट अच्छी लगी हो या मेरा जो मार्क्स आपको पसंद आया हो उस सब्जेक्ट की, या आपको जिस सब्जेक्ट की नीड हो कि इस सब्जेक्ट के आप स्ट्रेटजी वीडियो बताएं, तो आप प्लीज़ उस वीडियो के कमेंट सेक्शंस में कमेंट कीजिएगा, और मैं कमेंट के अनुसार जो है उस अकॉर्डिंग जो है आप लोगों के लिए CHSL की स्ट्रैटेजी वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना स्कोर कार्ड शेयर करता हूँ। ये मेरे CHSL 18 का स्कोर कार्ड है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आपने प्लस टू कब किया था, तो मैंने जो है प्लस टू जो है वो 2017 में बिहार बोर्ड से प्योर हिंदी मीडियम से कंप्लीट किया था। उसके बाद CHSL 17 मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, लेकिन उस टाइम में सिलेबस भी कंप्लीट नहीं थी और मेरी तैयारी भी उतनी अच्छी नहीं हो पाई थी, जिस कारण से CHSL 17 में अराउंड 102-103 बने थे और मैं फेल हो गया था। इसके बाद मैंने CHSL 18 के लिए तैयारी की, और रेलवे ग्रुप डी के साथ साथ मैं इस चीज़ की प्रिपरेशंस कर रहा था, लेकिन बीच में रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम आ गया तो मैं मेनली उसी पे फोकस हो गया था, और फिर जो है रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम के बाद मैं CHSL 18 का प्रिपरेशंस फिर से अपनी कंटिन्यू रखी। और यहाँ आप देख सकते हैं सेक्शन वाइज मार्क, जनरल इंटेलिजेंस में 42 है, GK में 25, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 45.50 था, इंग्लिश में 29 था। इंग्लिश में मैंने उस टाइम में बहुत ही ज़्यादा कम फोकस किया था, क्योंकि उस टाइम में रेलवे ग्रुप डी की भी एग्ज़ाम थी और ये तीनों सेक्शंस तो मैं कर रहा था, लेकिन इंग्लिश के सेक्शंस को मैं छोड़ दे रहा था। लेकिन जब इसकी एग्ज़ाम हो गई थी तो फिर मैं इंग्लिश सेक्शंस पर भी शिफ्ट हो गया था, लेकिन उतना फुल डेडिकेशन के साथ मैं इंग्लिश की तैयारी नहीं कर रहा था, इस कारण से आप देख सकते हैं मेरा इंग्लिश का स्कोर जो है उतना ज़्यादा इंप्रूव नहीं हो पाया। तो उसके बाद जो है मेरा रो स्कोर टोटल 141.50 बना था, और नॉर्मलाइज करके 150.75 कर दिया गया। इसके बाद Tier 2 का जो एग्ज़ाम थी वो 29 सितंबर 2019 की थी, जो कि जब मैं रेलवे ग्रुप डी ज्वाइन कर चुका था अगस्त 2019 में। उसके बाद जॉब के साथ ही मैं Tier 2 की प्रिपरेशंस कर रहा था। इसके बाद 2019 का अटैम्प्ट, जिसमें जो है कंप्यूटर बेस्ड CBT 1 की एग्ज़ाम में मेरा जो शिफ्ट था वो 15 अक्टूबर का सेकेंड शिफ्ट था, उसमें मेरे इंग्लिश के जो सेक्शन वाइज स्कोर थे वो 42.5 था, जो कि पिछले बार से ठीक ठाक इम्प्रूवमेंट हो गई है। रीजनिंग में 48, इसमें भी थोड़ी इम्प्रूवमेंट मैंने किया था, और क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड में 43। इसमें मेनली कम होने का रीज़न यह था, एग्जाम से एक मंथ पहले जो है वर्कलोड भी थोड़ा बढ़ गया था, और गया था जिस कारण से मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या ज्योमेट्री के थोड़े बहुत फॉर्मूले जो थे वो रिवाइज नहीं कर पाया, जिस कारण से था एग्ज़ाम में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मुझसे छूट गया, और कुछ स्पीड में बनाने के कारण भी मेरे क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड में सिली सिली मिस्टेक हो गए थे। इसके बाद जनरल अवेयरनेस में 30 आया। इसके बाद जो है रॉ स्कोर टोटल जो है मेरा 163.505 बना, मतलब उसके बाद जो है इसको नॉर्मलाइज करके 179.87 कर दिया गया। तो यही मेरा स्कोर कार्ड था। अब आप लोग जो है स्कोर कार्ड के बेसिस पर मुझे किस सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी वीडियो पहले लानी चाहिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, ताकि मैं स्ट्रेटजी वीडियो भी आगे ला पाऊँ। एक बार फिर से आप लोगों का थैंक यू करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने चैनल को इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर सपोर्ट।